वेलकम टू टीवी का तड़का। कैसे हैं आप लोग? स्टार प्लस प्रसारित शो गुम है किसी के प्यार में फेम एक्टर नील भट्ट फिलहाल में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था, हमने आपको अपडेट दी थी कि और मेंबर्स का और एक्टर्स का भी कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो कौन है वो दूसरी एक्टर जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो। जी हाँ, नील की ऑफ स्क्रीन गर्लफ्रेंड एंड ऑन स्क्रीन को एक्टर ऐश्वर्या शर्मा की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। जी हाँ, ऐश के फैंस के लिए बेहद ही दुखद न्यूज़ है। जी हाँ, पर ये रिपोर्ट बिल्कुल ही सही है। उनके प्रोड्यूसर ने ये बात खुद कंफर्म की और बताया कि ऐश्वर्या शर्मा की भी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आ चुकी है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शो में होली सीक्वेंस जल्द ही आने वाला था, लेकिन ऐश और नील के कोविड-19 पॉजिटिव हो जाने के कारण होली सीक्वेंस की शूटिंग स्टॉप कर दी गई है और फिलहाल उसी ट्रैक पर वर्क किया जा रहा। नील और ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के जबरदस्त टैलेंट और एक्टिंग की वजह से ही तो बाग टीआरपी में गुम है किसी के प्यार में सीरियल टॉप 5 की लिस्ट में आ पहुंच जाता है। कोविड-19 कितनी बड़ी बीमारी और महामारी है, ये तो हमने 2020 में लॉकडाउन झेल के ही देख लिया था। फिलहाल नील और ऐश्वर्या के लिए हमारी टीवी का तड़का तो यही दुआ करता है कि जल्दी वो ठीक हों और वापस से अपनी शूटिंग पर वापस जाएं। फिलहाल यही थी नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा से जुड़ी ये बिग अपडेट। और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू टीवी का तड़का।